जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अबे पकड़ ले तो देख। हां ना पकड़। अच्छा मैं चिल्ला रहा हूं। नाम नाम मार गए। भाई भाई थोड़ी साइड में। तू आई कहां है? आई आई नीचे तो। हां ये सीधे करो ऐसा करो ना भैया दो बार में कर लो रोल दो रोल। आज विधायक जी आपने जो है नामांकन किया है, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? नामांकन करने जा रहा हूँ अभी। नहीं नहीं आप उसमें करो नामांकन करने आए हो तो बाद में बांट देना। अरे करो रोल करने जा रहे कलेक्ट्रेट पर। रोल विधायक जी अभी आप नामांकन करने आए हैं, अगर जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए विधायक बनना एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य करते रहे हैं पहले भी जी, और हमारा विकास हमेशा एजेंडे में रहा है। जो हमको 5 साल मिली थी उसमें 2 साल कोरोना में निकले हैं, तो पूर्ण विकास की जो हमने परिभाषा है जी वो हम इस 5 साल में करके दिखाएंगे। कोई गांव बिल्कुल भी कहीं किसी विकास से अछूता ना रह जाए, शहर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हो। और ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि इन 5 सालों के अंदर भाजपा सरकार बनने पर पूर्ण रूप से शहर और गाँव दोनों का संतुप्त विकास होगा। आपके सामने समाजवादी पार्टी से जुगम सिंह यादव हैं, तो किस तरीके से क्या चुनौती मानते हैं आप? पिछले बार चुनाव में भी वो जुगम सिंह यादव ही थे, इस बार भी हमारे सामने जुगम सिंह यादव जी हैं। देखिए जनता का ये चुनाव है जी, जनता बड़ा समझदार होती है, वो जानती है कि सरकार भाजपा का क्या मतलब है। उसने भाजपा सरकार का सुशासन देखा है, उसने भाजपा का सबका साथ सबका विकास के रूप में सबका सम्मान होते देखा है। जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार की रही हैं केंद्र और प्रदेश की, सबका लाभ बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं कोरोना काल के अंदर जब देश को और जनता को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जन सेवकों की थी, उस समय ये सब लोग बंद थे। ये मैं आपको बताऊं आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और आपका ये सेवक पूरे शहर के बीच में बैठ करके घर घर की चिंता कर रहा था, कच्चा राशन हो चाहे पका हुआ हो कोई घर भूखा ना रह जाए इसकी चिंता हम लोग कर रहे थे। मेरे साथ के कई लोग उस दौर के अंदर कोरोना संक्रमित हुए खत्म हुए, पूरा विपक्ष जो जुगेंद्र सिंह यादव है इन सहित उस समय पूरे शहर के अंदर गाँव के अंदर कहाँ दिखा, ये सब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और जनता जानती है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं, तो क्या आपके लिए चुनौती है, समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है? देखिए हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, जैसा मुझे पता लगा उनके स्वाभिमान को ठोस पहुंची है, उनके साथ एक कद्दावर नेता ने बदतमीजी की है, तो उनके स्वाभिमान के चोट के हिसाब से उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने जो कदम होता है वो उनके स्वाभिमान को देखते हुए उनका अपना विषय है। मैं तो ये मानता हूँ कि सपा से भी किसी को आना है बसपा से भी किसी को आना है, प्रत्याशी तो रहेंगे चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों का सामना पूर्व में भी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा था सपा बसपा जब इकट्ठी मिलकर लड़ी थी तब भी हम लोगों ने इस सीट पर भी जीत हासिल की थी, और इस बार भी चुनौतियां हैं, जनता साथ है, जन समर्थन साथ है। क्या मानते हैं आपकी जीत सुनिश्चित मानते हैं क्या? ये सर्वे भी बताएगा, और आप तो मैं मानता हूँ एक तरफ वो कुछ लोगों के बीच में है और एक तरफ सबका साथ सबका विकास के बीच में, हमने पहले ही नारा दिया है जी, आधे में तो मतलब कहते नहीं है कि जितना उनका है उसमें भी हमारा है, हमारा तो है ही है। तो कुल मिला के जीत से आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है। डेविड भैया डेविड भैया भारतीय जनता पार्टी से विधायक सदर विधायक सुनील वर्मा डेविड नामांकन करने यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे चुनौतियाँ सामने।